बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे चलते हैं। स्टेप उठाए गए हैं और उसके परिणाम भी मिलना शुरू हुए। मेक इन इंडिया की योजना शुरू कर न केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, उसके साथ साथ बेरोजगारी को भी एड्रेस करने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया मेक इन इंडिया की योजना बनने वाली है। उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट की रचना कर मोदी जी ने ग्रेजुएट बेकारों की जो फौज देश के अंदर खड़ी होती थी उसकी जगह स्किल्ड युवा मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रीब्यूट भी करेंगे और अपने जीवन का सम्मानपूर्वक ज्ञापन भी कर सकेंगे। इस तरह की व्यवस्था करने के लिए एक फुल टाइम मंत्री और फुल टाइम मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है देश में कई साल पहले हो जाना चाहिए था, वो अब शुरू किया है। और वो दोनों के पीछे एक और मकसद है। आज पूरी दुनिया और देश मानता है कि कृषि वायबल नहीं है। वो इसलिए मान्यता बनी है कि कृषि की वायबिलिटी से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है। मतलब कृषि में अगर क्षमता है 50 लोगों को ठीक से वायबल तरीके से अपना जीवन कृषि के आधार पर बिता पाए तो आज 80 लोग कृषि पर निर्भर है। हम स्किल डेवलपमेंट मेक इन इंडिया के माध्यम से वो 30 लोगों को कृषि पर से एक अलग क्षेत्र में लाकर कृषि के ऊपर निर्भर 50 लोगों को भी अच्छे तरीके से कृषि पर निर्भर रह सके और बाकी 30 लोग भी रोजगारी लेकर आगे बढ़ सके। इस तरह का एक नया इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके द्वारा भारत के विकास को और एक वेलफेयर स्टेट कल्याण राज्य हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिले इस तरह का राज्य बनाने के अंदर काफी बड़ी मात्रा में इसको सफलता मिली होगी। परंपरागत रूप से कई चीजें अटकी हुई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, बीमा क्षेत्र के अंदर, रक्षा क्षेत्र के अंदर और अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसमें भी मर्यादा बढ़ाकर एक नए द्वार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले हैं। भूमि अधिग्रहण कानून को भी हमने प्रैक्टिकल बनाया है जिससे विकास का भी गति न रुके और किसान का भी नुकसान न हो, एक तरह का संतुलित भूमि अधिग्रहण कानून हम लेकर आए हैं। देश के जीडीपी को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले खदान मतलब माइंस और कोयला, ये दो क्षेत्र इलीगल पचड़े में पड़े हुए थे, एक पारदर्शी सिस्टम से हमने इसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम से उनको ऑक्शन के तरीके से आज आगे ले जाया गया है। और मैं मानता हूं कि एक ही साल में जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाले सबसे बड़े अगर दो कोई क्षेत्र होंगे तो माइंस और कोयला होगा। टेलीकॉम सेक्टर को भी हमने लीगल पचड़े से बाहर निकालने के लिए काफी कुछ किया है।